मिस्टर, प्लास्टिक की थैलियों से होने वाले नुकसान से सभी वाकिफ हैं। सब जानते हैं कि ये जल्दी नष्ट नहीं होती, जमीन के अंदर वर्षों तक दबी रहती हैं, जलने पर पर्यावरण को दूषित करती हैं और इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर भी यदि इनका व्यापक इस्तेमाल हो रहा है तो कोई न कोई वजह जरूर होगी। दिक्कत यह है कि हम उन कारणों को नहीं समझना चाहते और सिर्फ डंडे के बल पर प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं। यह सही रणनीति नहीं है। दरअसल प्लास्टिक की थैलियों का कोई ठोस विकल्प अब तक हमारे सामने नहीं आ सका है। प्लास्टिक के बैग ने बाजार से सामान लाना आसान बना दिया है। अब कोई चिंता नहीं रहती कि घर से निकलते वक्त हाथ में कोई बैग है अथवा नहीं। इसी तरह राह चलते यदि कोई सामान पसंद आ जाए तो उसे ढोने के लिए प्लास्टिक बैग काफ़ी सुगम होता है। ऐसे में लोगों से यह उम्मीद करना गलत है कि वे अपनी सुगमता को छोड़कर फिर से मुश्किल दिनों की ओर लौट जाएंगे। बेहतर तो यह होगा कि सरकार प्लास्टिक बैग का ऐसा विकल्प पेश करे जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो और लोगों की मुश्किलें भी न बढ़ाए। अच्छी बात है कि अब कई स्टोर ऐसी प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनका क्षरण संभव है और जो पर्यावरण के अनुकूल भी बताई जाती हैं। बहरहाल कई जगहों पर केले, ताड़ और अन्य बड़े पत्तों का इस्तेमाल करके फूड पैकेजिंग तैयार की जाती है। इसे उन प्लास्टिक थैलियों का अच्छा विकल्प बनाया जा सकता है जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में होता है। अगर बड़े पत्तों से पैकेट तैयार करने के उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू किए जाएं तो खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग प्लास्टिक थैलियों से करने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। मगर इसके लिए जरूरी है कि इन उद्यमों को बेहतर माहौल मिले और पर्यावरण पूंजी भी। पिछले दिनों यह खबर भी आई थी कि घास से थैलियां बनाने पर काम हो रहा है। अगर यह योजना साकार हुई तो देश को काफ़ी लाभ हो सकता है। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि इन थैलियों की कीमतें भी प्लास्टिक बैग के आसपास हों या फिर उससे कम हो, तभी दुकानदार भी इनका इस्तेमाल कर सकेंगे और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाना ज़रूरी है क्योंकि कागज़ की थैलियां अधिक लागत मूल्य के कारण ही चलन से बाहर हो गई। स्टॉप।